नमस्कारम, जय महाकाली। इस बार थोड़ी जल्दी आ गए क्योंकि टॉपिक था ही कुछ ऐसा, आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी। हम दोनों का सम्मान करते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। चलिए पहले जान लेते हैं थोड़ा उन दोनों के डिफरेंस के बारे में। आयुर्वेद, आयुर्वेद एक प्रकार का औषध शास्त्र है। आयु बोले तो लाइफ और वेदा माने तो साइंस, द साइंस ऑफ द लाइफ, जो करीबन 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। महर्षि चरक, जिन्हें हम फादर ऑफ आयुर्वेद कहते हैं। एलोपैथी, एलोपैथी को हम कई अलग अलग तरीके के नाम से जानते हैं, जैसे कन्वेंशनल, मेनस्ट्रीम, वेस्टर्न, ऑर्थोडॉक्स, मॉडर्न मेडिसिन, और हम हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ एलोपैथी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से जानते हैं। और एलोपैथी करीबन 200 साल पुरानी होगी। आयुर्वेद को प्लांट बेस्ड केमिकल कहते हैं क्योंकि केमिकल पानी का यह कुदरती स्रोत है। एलोपैथी को हम आर्टिफिशियल केमिकल कहते हैं क्योंकि ये मॉडर्न दवाएं हम अपनी लैब में बनाते हैं। एलोपैथी में ADR देखने को मिलता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बोले तो दवाइयों का विपरीत असर। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज किस बीमारी के पाए जाते हैं? हार्ट अटैक नहीं, किडनी भी नहीं, यहाँ तक कि कैंसर भी नहीं। द ओनली एंड ओनली वन ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं इस दवाइयों के विपरीत प्रभाव से। ज़्यादातर एलोपैथी में साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि आयुर्वेद में नहीं। आयुर्वेद के साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। हमारी संस्कृति वो नहीं जो दूसरों को गिरा के आगे बढ़े। यह देखो विकिपीडिया वाले क्या बोल रहे हैं, और यह हमारा इंडिया का प्रिंट और मीडिया कैसी खबरें छाप रहा है। वेस्टर्न प्रोडक्ट खाकर कार्बन डाइऑक्साइड पीकर बोल रहे हो आयुर्वेद काम नहीं कर रहा। बिक गए सब, सब के सब बिक गए हैं। हम यह नहीं कह रहे एलोपैथी बुरा है। इमरजेंसी हो या क्विक फिक्स करना हो तो एलोपैथी से अच्छा ऑप्शन मार्केट में अभी तक नहीं। एलोपैथी की वजह से हर रोज लाखों लोगों की जान बचती है और करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत होती है। आज छोटी से छोटी बीमारी से लेकर कैंसर तक के इलाज एलोपैथी के पास है। नो डाउट एलोपैथी भी अच्छी है, परंतु व्हाइल देयर इज नो पिल फॉर एवरी इल, देयर इज एन इल फॉलोइंग एवरी पिल। इस बार चलिए मोदी जी से पूछते हैं। हाँ तो माननीय मोदी जी, आप क्या कहना चाहते हो? जिसको अपनों पर भरोसा नहीं है, अपने पर भरोसा नहीं है, अपनी परंपरा पर भरोसा नहीं है, वो औरों पे भरोसा नहीं जगा सकते। संकट आयुर्वेद का नहीं है, संकट आयुर्वेद वालों का है।